हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो पिलर है, दोनों पिलर का हाइट इक्वल है और दोनों पिलर क्या है रोड के आइदर साइड में, एक रोड के इस साइड में एक पिलर है और रोड के इस साइड में एक पिलर है, दोनों का हाइट इक्वल है। ये दिया हुआ है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड और रोड का जो विड्थ है वो 100 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, दोनों पिलर्स के बीच में रोड पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका कि रोड के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट से दोनों पिलर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक पिलर के टॉप को ऑब्जर्व करने के लिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो किसी एक तरफ 60 डिग्री ले लेंगे, किसी एक तरफ 30 डिग्री, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, हमें दोनों पिलर्स की हाइट फाइंड करना है एंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, और ये जो रोड के बीच में एक जो पॉइंट लिया है हमने, इस पॉइंट का पोजिशन फाइंड करना है कि दोनों पिलर के बीच में कहाँ पे किस पोजिशन पे ये पॉइंट है, ठीक है। और ये दिया हुआ पाई का वैल्यू हमें, ये रूट थ्री का वैल्यू 1.732 यूज़ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे पहले, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने इसको क्वेश्चन को पढ़ के। इसमें क्या है, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पिलर्स, दो पिलर्स बोल रहा है तो जो पिलर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे उसको नाम दे देंगे ए बी सी डी और इसको लिख लेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी टू पिलर्स ईच ऑफ हाइट एच मीटर, ठीक है। दोनों को हाइट एच से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड लेट ए सी बी द रोड सच दैट ए सी इक्वल टू 100 मीटर, और ए सी क्या हो गया, ए सी रोड हो गया और इस ए सी का वैल्यू कितना है दिया हुआ है, रोड का जो विड्थ है वो 100 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 100 है, तो ए से लेके ओ तक इसको अगर हम एक्स एज्यूम कर लेंगे तो ओ से लेके सी तक क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन ए सी, और लाइन ए सी के ऊपर एक ये पॉइंट ओ हो गया, उसको भी हम लिख के बता देंगे लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन ए सी, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पिलर, तो स्टार्ट करते हैं इसको। दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इस क्वेश्चन में, दो ट्राइंगल ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है सब में दो ट्राइंगल्स बनेंगे, तो दोनों ट्राइंगल में हमें एक लाइन ये कॉमन दिख रहा है, इस ये लाइन इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड और इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है, दोनों एच के बराबर है, तो इस ट्राइंगल में हम यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर हम यूज़ करेंगे टेन 60 डिग्री, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, या टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, या फिर और टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के हिसाब से अपोजिट कौन हो गया, ये लाइन अपोजिट हो गया और ये लाइन उसके एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ हो जाएगा, ए बी अपॉन ए ओ, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री इक्वल टू ए बी को हमने h एज्यूम किया है तो उसके प्लेस पे h लिख देंगे और ए ओ को x लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें h का वैल्यू मिल गया, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू हो गया रूट थ्री एक्स, ये नाम दे देंगे इसको हम इक्वेशन वन। इसके बाद इस ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी के अंदर भी हम ये यूज़ करेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन ओ सी, ठीक है। तो सी डी का वैल्यू एच हमने एज्यूम किया हुआ है तो सी डी के प्लेस पे एच लिख देंगे और ओ सी क्या हो गया 100 माइनस एक्स, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 माइनस एक्स यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 100 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एच, ये हो गया इक्वेशन टू।
तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हमें h का वैल्यू मिल गया, h इक्वल टू रूट थ्री एक्स, और सेकेंड इक्वेशन में h इक्वल टू दिस। तो दोनों इक्वेशन से हम h के वैल्यू को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, रूट थ्री एक्स इक्वल टू हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री। ये भी आ गया h का वैल्यू और ये भी है h का वैल्यू, तो दोनों आपस में इक्वेट हो गया, रूट थ्री एक्स इक्वल टू हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूट थ्री इधर आके इससे रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये बन जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू हंड्रेड माइनस एक्स, ये x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया फोर एक्स इक्वल टू हंड्रेड, तो x इक्वल टू हंड्रेड बाई फोर, ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव। एक्स का वैल्यू मिल गया हमें 25, और हमें फाइंड क्या करना है, हाइट, हाइट ऑफ पिलर फाइंड करना है, h, h फाइंड करना है, तो h क्या है, h इक्वल टू रूट थ्री एक्स, तो h इक्वल टू रूट थ्री का वैल्यू दिया हुआ है हमें, रूट थ्री का वैल्यू 1.732 यूज़ करना है, तो रूट थ्री के प्लेस हम लिख देंगे 1.732 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया है 25। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कभी भी अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना रहता है तो ज़्यादा बेटर क्या है, 1.732 इंटू 25 के प्लेस पे हम 100 बाई 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब हमें सिर्फ इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, और यहाँ से भी ये पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हट गया तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1000 आ गया। ठीक है, 4 से डिवाइड करना काफ़ी ईजी होता है, 4 जा 16, बच गया 13, 4 3 जा 12, फिर बच गया 12, 4 3 जा 12, और ये दो जीरो कट गया, तो आ गया h इक्वल टू 433 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू, ये 10 हटाएंगे तो 43.3, तो हाइट ऑफ पिलर आ गया 43.3 मीटर, और x क्या था, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, तो हाइट ऑफ ईच पिलर तो मिल गया 43.3 मीटर, और एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या हो गया, ये जो x का वैल्यू आ रहा है 25, तो अगर ये 25 हो गया, टोटल 100 था, तो यहाँ पे अगर 25 पुट करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा 75 और इधर आ गया 25, तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन अगर हम इस वाले पिलर से देख रहे हैं तो 25 मीटर की दूरी पे है, और इस पॉइंट का पोजीशन अगर इस पिलर से देख रहे हैं तो 75 मीटर की दूरी पे है। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड इक्वल टू 25 मीटर फ्रॉम एनी वन पिलर। ठीक है, किसी एक पिलर से। ठीक है, अगर ये पॉइंट हमने इधर लिया होता तो 30 डिग्री का एंगल इधर बन रहा होता, 60 डिग्री का एंगल इधर बन रहा होता। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, पॉइंट एक पिलर से 25 मीटर की दूरी पे है, तो दूसरे पिलर से ऑटोमेटिक वो 75 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। ठीक है, और हाइट ऑफ पिलर हो गया 43.3 मीटर। कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।